కేంద్రం రైతులను చులకనగా చూస్తుందని ఫైర్ అయ్యారు ప్రియాంక గాంధీ. యూపీలో రిపబ్లిక్ డే ఘర్షణల్లో చనిపోయిన రైతు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారామే. రైతుల డిమాండ్లను వినాల్సిన కేంద్రం రెచ్చగొట్టే చర్యలు చేపడుతోందని విమర్శించారు. ఢిల్లీని దిగ్బంధించాల్సిన అవసరం ఏంటని ప్రశ్నించారు ప్రియాంక గాంధీ. हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए. मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है. इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है. ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है. इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा. और अगर इसका आदर नहीं किया तो ये होगा कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे. देश भर में आपने देखा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज कितने लोग आए हैं यहाँ मेरे साथ. मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ, खुद आए हैं. कम से कम 300-400 गाड़ियाँ हैं. क्यों आए हैं ये लोग, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि जो किसान बैठे हुए वहाँ वो उनके साथ हैं. तो पूरा देश इनके साथ है. जो नेता ये पहचान नहीं सकता वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है. फसलाएं खत्म कर दी है, नुकीली तारे लगा दी है, किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर में. अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है. इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, री इन्फोर्समेंट किया हुआ है. किस लिए, किस लिए? क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? दो महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहा है ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो. ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो, यही तो कह रहा है ना. प्रियंका जी, इसलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि एक समय आता है, एक समय आता है जब इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, खास तौर से सत्ताधारी इंसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है. वो जानता नहीं है कि जनता क्या महसूस कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है. और वो समय शायद आ गया है. शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, हो सकता है वो देखते नहीं है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते